Hello, assalamu alaikum. This is me, Kiran Sayed. Welcome to grade 4 maths. Today we are doing exercise number 6 of unit number 2. Question read kar lete hain. Ye question hum pehle bhi kar chuke hain. Let's see kis kis ko yaad rehta hai ki humne kiya tha. Exercise 6 ka question diya hua hai. Arrange these sets in ascending order. Yani ye jo sets diye hue hain, yani teen teen number ke sets दिए हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, यानी इनकी अरेंजमेंट को सही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, असेंडिंग ऑर्डर होता है वो ऑर्डर जिसमें हम छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी बाद में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रही होती है वैल्यूज। और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें हम बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं और छोटी बाद में लिखते हैं। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले उस वैल्यू को लिखना है जो छोटी है और उसके बाद उसी तरतीब में हम बड़ी वैल्यू को रखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन नंबर्स दिए हुए हैं। अब एक बात याद रखिएगा, पहले जब आपने मुझे क्वेश्चंस करके सॉल्व करके सेंड किए थे उसमें एक मिस्टेक ये आ रही थी कि दो नंबर, अब यहाँ तीन नंबर्स लिखे हुए हैं, इन तीनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है। इस सेमी कॉलन को बहुत ख्याल से आप लगाइएगा, इसकी जगह कॉमा नहीं लगा दीजिएगा वरना हमारी ये नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब एक नंबर पूरा लिख लें उसके बाद सेमी कॉलन लगाएं, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद। अब इस क्वेश्चन में तीन नंबर्स ये हुए हमारे पास। पहला हमारे पास नंबर है, उसके अंदर डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स। रीड करते हैं, नंबर दिया हुआ है 18,320,200। उसके बाद सेकंड है 81,630,450 और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है 8,014,300। अब इन तीनों में से असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 18 मिलियन वाला, 81 मिलियन वाला और 8 मिलियन वाला सबसे छोटा है हमारे पास, 8 मिलियन वाला वो हमने सबसे पहले लिख दिया। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, सबसे पहले 8 मिलियन वाला नंबर लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा नंबर आएगा जो 8 मिलियन वाले नंबर से बड़ा है और वो नंबर है हमारे पास, अब दो नंबर बचे 8 मिलियन वाले नंबर को लिखने के बाद, 81 मिलियन वाला नंबर या 18 मिलियन वाला नंबर। हमारे पास 8 मिलियन वाले से बड़ा आ रहा है 18 मिलियन वाला नंबर, सेमी कॉलन लगाया, 18 मिलियन वाला नंबर लिख दिया जो कि है 18,320,200। उसके बाद लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा, दैट इज 81,630,450। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन और सैंपल के तौर पे करके दिखा देती हूँ, नंबर 2 खुद कर लीजिएगा, नंबर 3 करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी तीन नंबर दिए हुए हैं, मैंने बॉक्सेस इसलिए बना दिए ताकि आपको अलग अलग समझ में आए कि कितने नंबर हैं। अब इसमें से तीनों नंबर में मिलियंस हमारे पास 9 ही हैं, यहाँ भी 9 मिलियन वाला नंबर है, 9 मिलियन एंड अगेन 9 मिलियन। इसका मतलब अब हमें देखना है कि इसके बाद वाले नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पर है 248, उसके बाद यहाँ है 240 और उसके बाद है 208, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे 9,208,751 वाला नंबर सबसे पहले। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई और ये नंबर सबसे पहले लिख दिया, सेमी कॉलन लगा के सेपरेट किया और उसके बाद इन दोनों में से जो छोटा है पहले वो आएगा। 248 वाला छोटा है या 240 वाला छोटा है, हमारे पास स्मॉलर नंबर है 240 वाला नंबर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9,240,715। सेमी कॉलन लगाया और बिल्कुल लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिख दिया, दैट इज 9,248,517। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही कर लीजिएगा, होप आपको समझ आया हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।